आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। कैसे सेट फरवरी वादा की कीमतें शुक्रवार को बढ़त के साथ बंद होती नजर आई थी। 2022 में कैसर की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस जो कि वर्ष दर वर्ष 42% अधिक है। गुजरात कृषि विभाग के दूसरे अग्रिम अनुमान में अरंडी के उत्पादन को 1,00,000 टन घटाकर 13.02 लाख टन कर दिया गया है, जबकि पहले यह अनुमान 14,00,000 टन था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल के पार चली गई है। साल 2014 के बाद यह पहला मौका है जब क्रूड की कीमत इस स्तर पर पहुंची हो। देश भर की मंडियों में नई सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 25,000 बोरी सरसों पहुंची थी, राजस्थान में 65,000 बोरी से ज्यादा सरसों की आवक दर्ज हुई। हालांकि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आवक कभी कमजोर है। वहीं सरसों की आवक ज्यादा बढ़ने से इसका असर सोयाबीन की फसल पर भी पड़ता नजर आ सकता है और कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। देश में पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ने और मैदानी इलाकों में बारिश होने के चलते ठंड बढ़ चुकी है। बंगाल की खाड़ी से उठी समुद्री हवाओं के कारण झारखंड में ठिठुरन महसूस हो रही है। वहीं अगले कुछ दिनों तक बिहार में बादल छाए रहने की उम्मीद है, हालांकि बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। देशभर की मंडियों में नई सरसों की आवक शुरू हो गई है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में और राजस्थान की मंडियों में सरसों की आवकें देखने को मिल चुकी हैं। सरसों की आवकों में जैसे जैसे इजाफा होता रहेगा, सरसों की कीमतों में गिरावट आती रहेगी और इसका असर सोयाबीन तेल तिलन पर भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि खाद्य तेलों की डिमांड को सरसों द्वारा पूरा किया जा सकेगा, क्योंकि इस बार सरसों का बंपर उत्पादन हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राज्य सरकार की कृषि व्यवस्था में सुधार करने और किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस समय MSP पर 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच दिल्ली तेल तिलन बाजार में सोयाबीन तेल की कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। विदेशी बाजारों के तेज होने से सोयाबीन तेल के भाव मजबूत हो गए हैं। जलवायु परिवर्तन का असर अब अंगूर के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है, साथ ही फलों की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, जिसका असर रेट पर भी पड़ा है। वहीं दूसरी ओर किशमिश की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं। पिछले 2 महीने से किशमिश मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, लेकिन मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन के कारण अंगूर उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 83 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें आगे $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं। भारत के 5 बड़े राज्यों में इस समय विधानसभा के चुनाव हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम भी जोरदार बढ़ेंगे, क्योंकि भारत पेट्रोल डीजल के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर है। ब्राजील में सीजन 2021-22 की सोयाबीन फसल की कटाई कुल संभावित बुआई के 5% तक पहुंच गई है। मौसमी परिस्थितियों में सुधार होने के कारण देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य माटो ग्रोसो में कटाई की गति तेज होने के कारण सोयाबीन की कटाई इस स्तर पर पहुंची है। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।